यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर केंद्र सरकार की बैंकों के निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल ऑफिस के बाहर लगभग 6 सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कई बैंकों ने तो पहले ही बता दिया था कि उनके यहाँ हड़ताल की वजह से कामकाज बाधित होंगे, यानी ग्राहकों को परेशानी होगी। बैंक यूनियनों का कहना है कि इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। दरअसल 9 बैंक यूनियनों के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर देखने को मिला। इस हड़ताल का असर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत दूसरे बैंकों में हुआ। SBI ने पहले ही आगाह कर दिया था कि हड़ताल का कामकाज पर असर होने वाला है, क्योंकि बैंक यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक ने कहा कि यूजर योनो लाइट नेट बैंकिंग या ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं। हड़ताल के कारण शहर के बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ। बैंक कर्मी कल ही काम पर लौटेंगे। हिमाचल प्रदेश पंजाब नेशनल बैंक के महासचिव RK गौतम ने बताया कि उनके द्वारा की गई हड़ताल निजीकरण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट, कोल इंडस्ट्री या रेलवे हो, इसी तरह उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री पर हाथ डाला है। तो वे चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल ना खरीदे और ना ही केंद्र सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आम जनता का पैसा है वो डूब जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण चंद पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में IDBI के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले से सरकारी बैंकों के कर्मचारियों में डर बन गया है। कर्मचारियों को लगता है कि प्राइवेट हाथों में बैंकों के जाने से रोजगार पर संकट आ सकता है। बैंक यूनियनों की माने तो ये एक मिथ है कि केवल निजी ही कुशल होते हैं और निजीकरण न तो दक्षता लाता है और न ही सुरक्षा। आज जो हमारी स्ट्राइक है, इसका मुख्य मुद्दा जो है वो ये है, प्राइवेट हम जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध हैं। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जो था उसमें बच्चों को एक साल में कम से कम 1 लाख के करीब नौकरियां जो वो दी जाती थी। प्राइवेट सेक्टर होने के बाद 10 से 20 हज़ार बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी, 80 हज़ार के करीब बच्चा जो है वो बेरोजगार होता जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको प्राइवेट ना किया जाए। आपने यस बैंक देखा होगा, 2019 में यस बैंक जब बंद होने लगा था तो लोगों के डिपॉजिट के ऊपर ये एक कैप लगा दी गई थी कि वो 25,000 से ऊपर जो एक महीने में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वो ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ने उनको संभावना दी कि नहीं आपको पैसा मिलेगा, तो उसने उसको फंडिंग की, तो यस बैंक का पैसा बचा। तो क्या वो यस बैंक प्राइवेट बंद होने जा रहा था? इसीलिए हम गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर की जो इनके दिमाग में एक धारणा चली हुई है कि रेलवे को प्राइवेट कर दो, टेलीफोन को प्राइवेट कर दो, BSNL को प्राइवेट कर दो, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दो, तो प्राइवेट से कुछ होने वाला नहीं है। ये इनका सियासतीकरण है, ये वोटिंग है, क्योंकि ये गरीब बंदा जो है वो इनको फंड नहीं दे सकता। फंड तो देगा कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े हाउस हैं वो ही इनको चंदा देंगे, तो वो चंदा जो देते हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए वो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए बोल रहे हैं। आज की स्ट्राइक का एक मुद्दा यही है, बैंकों की अपनी इसमें कोई डिमांड नहीं है। हमारी डिमांड सारी जनता के प्रति है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट ना होने दिया जाए। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेती है, हमारा ये एजिटेशन जारी रहेगा। नेशनल लेवल के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, बैंक उसी के ऊपर जो है वो काम करेंगे। हो सकता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। आपका नाम? अनिल कुमार सपैया। आप यूनाइटेड फोरम? मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और धर्मशाला मंडल का मैं सेक्रेटरी हूँ। थैंक यू। आज की स्ट्राइक हमारी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे कोल इंडस्ट्री हो, चाहे आपका रेलवे हो, तो इस तरह से आप इन्होंने जो बैंकिंग इंडस्ट्री पे हाथ डाला है उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल ही ना खरीदे और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले जिससे जो आम जनता का जो पैसा है वो डूब जाए। सर, आपकी स्ट्राइक है 2 दिन की है, अगर सरकार नहीं
जागती है, तो उसके बाद आपका क्या कदम रहेगा? अगर जो स्ट्राइक हमारे ये दो दिन के स्ट्राइक का अगर उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो डेफिनेटली जो हमारा डिसीजन है नेक्स्ट अंडर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंडर, वो चाहे चार दिन की स्ट्राइक का हो चाहे वो इंडेफिनेट का स्ट्राइक का हो, वो तब डिसीजन लिया जाएगा। आप आम जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? आम जनता को मैं हमारा यही संदेश है कि आप भी हमारा साथ दें और फार्मर्स का साथ दें, पब्लिक सेक्टर के लोगों का साथ दें, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये सारा जो बैंकिंग इंडस्ट्री अगर प्राइवेट हैंड्स में चली गई तो हम इतना जरूर बताएंगे आम जनता को कि आपका भी पैसा जो है वो सेफ नहीं है जो आपके बैंकों में पड़ा है।